अहिंसा धाम पशु रक्षा केंद्र तरफ आयोजित आज का ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्री कृष्ण शंकर जी गोजा जी, करुणा शंकर हो श्री कृष्ण के गोवर्धन का कार्यक्रम है तो श्री कृष्ण का नाम पहले मुंह पे आता है। मंच पे उपस्थित हमारे जूने मित्र मीरा रोड से गायक कलाकार चेतन भाई गढ़वी, नीलेश भाई सोनी, गौरंग सोनी, पंकज काकड़, इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, उपस्थित सभी भक्तजन, दोस्तों, परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी बनाई तो इस पृथ्वी के नियम को पालन करने के लिए उसने पशु भी बनाया, पक्षी भी बनाया, मनुष्य बनाया, फूल पौधे हर चीज बनाई और हर एक का एक किरदार उसमें निश्चित किया। अगर चींटी है तो उसका भी एक अपना किरदार है, उसका भी एक अपना काम है। घर में शक्कर गिरती है तो काली चींटी आई तो हम कहते हैं शुभ है और लाल चींटी आई तो हम कहते हैं अशुभ है, जबकि दोनों काम प्रकृति के नियम का, ईश्वर के बताया हुआ काम वो करती है। अगर गिर गया है अनाज तो उसे वो खा करके जाती है, मतलब आपका घर साफ करती है। अगर आप कोई खेती बाड़ी करते हैं तो आपको पता होगा हम लोग रेड एंट्स करके, लाल मूंगी जो खेतों में नजर आती है, आजकल हम उसको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स लेके उसको मारते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि वो जो मरी हुई चीज होती है पेड़ पौधे उसी को वो खाती है और उसी में से वो खाद बनाती है। पक्षी हर एक का एक किरदार है, उसी तरह से गौ माता का भी अपना एक किरदार आपके हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। हजारों साल पहले ये सारे जानवर जिसे आज डोमेस्टिकाइजेशन किया गया है, उसमें गाय है, भैंस है, बैल है, कुत्ता है और तमाम चीज है, गधा है, घोड़े हैं, जो एक जंगली जानवर के रूप में परमेश्वर ने इसे क्रिएट किया था। मगर सालों साल पहले अगर आप में से किसी ने सैपियन किताब पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये सारे जानवरों को डोमेस्टिकाइजेशन किया गया और ये कोई भी चीज ईश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होगी। और उसमें सब में बड़ा मनुष्य जाति के लिए जो अनमोल है वो है गौ माता, वो है गौ माता। आप काफी लोग जानते ही होंगे इस बात को, जिसे मैं थोड़े शब्द में आपके 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि कलाकारों से वक्त पहले लेना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में, अभी जैसे बाढ़ आई ना कोल्हापुर सातारा सांगली, तो भगवान श्री कृष्ण के जमाने में उसी तरह से बाढ़ आई और अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा अभी बाढ़ आई है तो अकाल पड़ेगा क्योंकि खेती बाड़ी साल भर नहीं होगी। तो उसी तरह से उस वक्त भी लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और ये पूछा उनको कि अब क्या किया जाए, अब ये बाढ़ आई है, अब अकाल पड़ेगा, कैसे खेती बाड़ी करेंगे, अच्छी जमीन जो है उपजाऊ जमीन चले गई है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके घर में गौ माता है, ये सारा गोबर जो है इसको खेत में बिछा दीजिए और उससे जो है खेती बाड़ी अच्छी होगी। और उस साल अकाल नहीं पड़ा और खेती अच्छी हुई और उसी वक्त से गौ माता को गौ माता कहा जाता है, क्योंकि माता जन्म देती है, बच्चों को पालती है, पोसती है और उस गौ माता के वजह से वो हुआ। आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि अलेक्जेंडर जो ग्रेट, वो हिंदुस्तान तक जब आया और जब वापस गया तो अपने साथ में 1 लाख गौ माता साथ लेकर गया। हिंदू धर्म में ये कहा जाता है और जो हकीकत है कि गौ माता के पेट में 33 कोटि देवी देवताएं हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि कोई गौ माता की हत्या ना करे, उसके पीछे का जो मुख्य कारण वो ये है। गाय के दूध में ज्यादा अच्छा पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल है बनिस्बत भैंस के। हर धर्म में, हर मजहब में गौ की रक्षा बताई गई है। मुगल सल्तनत के वक्त जहांगीर तक के
गौ माता की हत्या पे पाबंदी थी और सजाए मौत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त भी यही था। हमारे धर्म में हमारे प्रोफेट ने, पैगंबर ने यह कहा था कि गौ माता चार पैरों के जानवरों की सरदार है, इसका दूध दवा है, इसकी हिफाजत करो। अब ये बात अलग है कि समाज में बहुत सारी बातें राजनीति को लेके होती है और कोई आदमी गलत करता है उसके वजह से पूरा समाज गलत नहीं होता, मगर गौ माता की सेवा करना ये परम धर्म है, क्योंकि वो माँ के स्वरूप है, वो मनुष्य को जीवन देती है। और एंकर के लोग जिन्होंने ये संस्था खड़ी की, मैं अभी आपका ये पढ़ रहा था कि पहले 6 एकड़ जमीन थी, आज 600 एकड़ और हजारों जानवर का रक्षण और जीवन दान आप वहां पे कर रहे हो। ये पुण्याई भगवान ने आपके हाथ में, आपके परिवार में, आपके हाथ में, आपके नसीब में लिख के भेजा है कि ये सेवा का काम आपको करना है। इसके लिए आपको सलाम है, आपको नमन है। इसी तरह से आपसे प्रेरणा लेके सभी समाज के लोग ये काम करते रहे, यही बोल के मैं यहाँ रुकूंगा। जय जिनेन, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।